वार्ड मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा साध्वी जी के एडवोकेट प्रमेशनूर के अनुसार साध्वी जी को राइट ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है और वे तीसरी स्टेज पर हैं। उन्हें कैंसर की वजह से जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मंगो का न्यायालय में बेल अर्जी दाखिल की थी। आर्टिकल 21 भारतीय घटना अनुसार कोई भी नागरिक को अपने स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट करने का अधिकार है और अब जो साध्वी जी की क्रिटिकल स्टेज से गुजर रही है तो उन्हें बेल देनी चाहिए, परंतु न्यायालय ने बेल अर्जी रिजेक्ट कर दी। उस बेल अर्जी के खिलाफ मुंबई के उच्च न्यायालय में बेल अर्जी दर्ज की गई है। उस बेल अर्जी पर 16 तारीख को सुनवाई होनी है। एडवोकेट रमेश ने यह भी बताया कि कसाब जो कि आतंकवादी है उसे 5 स्टार ट्रीटमेंट दी जा रही है, परंतु साध्वी जी को ट्रीटमेंट के लिए सरकार बेल भी नहीं दे रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो 2008 के अक्टूबर महीने से महाराष्ट्र सरकार की न्यायालयीन हिरासत में है, तो उनको जो टॉर्चर हुआ गया था तो उसके से उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टेब्रल कॉलम वो डैमेज हो चुकी है और उसकी काफ़ी वर्षों से तकलीफ में रही है, हॉस्पिटल में रही है। तो वर्ष 2009 में जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उन्हें ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, तो उसलिए गांठ के लिए उन्होंने अंदेशा जताया था कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उस वक्त ठीक से जांच की नहीं गई थी और उस वक्त कहा गया था कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं है वगैरह से, परंतु इनको तकलीफ बढ़ती गई साध्वी जी को और उन्होंने भोपाल ट्रांसफ़र लिया जेल में और भोपाल में उनका जो ट्रीटमेंट हुआ वो थोड़ा सा सही तरह से होने शुरू हो गया है। उनका वर्टेब्रल कॉलम का भी ऑपरेशन हुआ है, फिर वो न्यायालय से उनको आदेश मिला है कि उनको जो स्पेशलाइज एजेंसी है कैंसर की वहाँ पे उनके बायोप्सी करवाई जाए, तो जो करवाया ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट से तो वहाँ पे पता चला है कि उन्हें थर्ड स्टेज का कैंसर हुआ है। तो इसका अर्थ यही है कि या तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि जब उन्होंने ब्रेस्ट में लम्स मिले और आशंका जताई कि कैंसर है तो भी उनका पूरा ध्यान नहीं दिया गया, या जो हमारे जो बीच में जो विचार मंथन चल रहा है कि सरकार को शायद रिपोर्ट गया होगा कि कैंसर है, परंतु तो सरकार ने एक राजनीतिक दांव खेला है कि यदि साध्वी जी नैसर्गिक रूप से मरण पाती है तो सरकार का संकट बच जाएगा, क्योंकि कल 4 साल में यदि साध्वी जी निर्दोष सिद्ध होकर बाहर आती है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी राजकीय संकट निर्माण हो जाएगा। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनको राइट ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो थर्ड स्टेज में है, इसलिए हम लोगों ने और उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों ने माननीय मोकोका न्यायालय में बेल अर्जी दायर की थी। उस बेल अर्जी में हमने ये लिखा था कि आर्टिकल 21 अपने घटना भारतीय राज्य घटना के अनुसार कोई भी नागरिक को अपने स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट करने के लिए अधिकार है और साध्वी जी अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, कैंसर की स्टेज ऐसी कि उनके जान को भी खतरा रह सकता है। इस अर्जी पे माननीय न्यायालय ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के काउंसिल को नोटिस निकाला, उसके बाद में हियरिंग हो गई, हियरिंग के बाद माननीय न्यायालय ने हमारी बेल अर्जी रिजेक्ट कर दी। उस बेल अर्जी के अगेंस्ट में हम लोगों ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बेल अर्जी दायर की है और 3 हफ्ते का बेल मांगा है। वो बेल अर्जी पे अभी 16 तारीख को सुनवाई है। हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे देश में कि अभी साध्वी जी जो है काफ़ी वो अंडर ट्रायल ही है और हमारे इंडिया में एवरी एक्विज पर्सन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी एंड अभी इस मैटर में तो ट्रायल भी होना है, अभी साध्वी जी खाली अंडर ट्रायल है लेकिन कसाब अदर हैंड वो कन्विक्ट है, उसको डेथ पेनल्टी हो गई तो वो भी उसका उसकी जो फाइव स्टार की तरह उसकी रखवाली की जा रही है, लेकिन साध्वी जी इधर उनके लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको किसी ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं। से स्पेशल कोर्ट से साध्वी जी के बहनों ने बेल मांगा था क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उन्हें रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने के कारण चले नहीं हो रहा है और वे बेड पर पड़ी हुई है। डॉक्टर के अनुसार यदि साध्वी जी का ठीक समय पर इलाज नहीं किया गया तो वे पेशाब करने के नियंत्रण को खो देंगी, ये बीमारी उनकी ठीक नहीं हो पाई और उसी समय ब्रिज कैंडी अस्पताल से यह रिपोर्ट आई कि उनको राइट ब्रेस्ट में कैंसर है, उनको सही इलाज मिले और समय पर मिले। इसी सिलसिले में साध्वी जी के बहनों भगवान भाईजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मुंबई आया था, मुंबई में MCUC स्पेशल कोर्ट ने उनकी एक अर्जी जो मेडिकल पर हमने 3 सप्ताह के लिए बेल मांगा था उसको रिजेक्ट कर दिया था। उस अर्जी को अब हमें हाई कोर्ट में ले जाना था
क्योंकि उनकी स्थिति आज 26 दिनों से वो बेड पर बिल्कुल पड़ी हुई है, पीछे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने के कारण अब वो अपने पैर को सीधा तक नहीं कर सकती है और अपना कोई काम नहीं कर सकती। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है कि यदि तत्काल उसका ऑपरेशन नहीं किया गया है तो साध्वी जी का जो पैखाना और पेशाब पर नियंत्रण है, मानवीय जो नियंत्रण होता है, वह नियंत्रण जा सकता है। इसलिए हम हाईकोर्ट में जल्दी से जल्दी आकर के एप्लीकेशन किए कि उनकी ऐसी स्थिति है, इसलिए उनको केवल ऑपरेशन करने तक के लिए बेल दिया जाए। उस प्रक्रिया में मैं चल ही रहा था कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल का यह रिपोर्ट आ गया कि उनको राइट ब्रेस्ट में कैंसर है और वो भी थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। तो इस न्यूज ने अब हमारे पूरे परिवार के साथ साथ और जो सुनने वाले सारे लोगों को इससे बड़ा और कष्ट नहीं हो सकता है। मैं सबको यह संदेश देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि देश के लोग जाने कि एक सरकार साजिश करके एक सामान्य निर्दोष आदमी के ऊपर कितने अत्याचार कर सकते हैं, वह भी हिंदू साध्वी के ऊपर। सरकार की प्रक्रिया यह रही है कि सरकार चाहती है साध्वी जी मर जाए। तीन बार तो उनको महाराष्ट्र में जेल के अंदर अटैक करके मारने का प्रयास किया, गिरफ्तारी के बाद से वो बेड पर ही पड़ी हुई है, लेकिन आज तक सिर्फ टेस्ट के सिवाय इलाज एक बार भी नहीं होने दिया। यह सरकार ने नहीं होने दी है।